वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज मैं आप लोगों के लिए ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 66 सॉल्व करूंगा। आई थिंक ये क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। यदि आप इसी तरह के ट्रांसलेशन या फिर ग्रामर से रिलेटेड वीडियोस रेगुलर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। एंड वन मोर थिंग, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। कहता है मुझे जाना है। देखो वाक्य के अंत में है लगा हुआ है, इट मीन सेंटेंस क्या प्रेजेंट टेंस में है। तब इसके लिए स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव अर्थात टू प्लस वर्ब, वर्ब के पहले आपको टू लगाना है और इसमें ध्यान ये रखना है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग में आएगा। ओके, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मुझे, तो सब्जेक्ट आई हो गया, आई के साथ क्या आएगा, हैव आएगा, अब टू आएगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को। मुझे जाना है, आई हैव टू गो। अब कहता है मुझे जाना था, सेंटेंस क्या है, पास्ट टेंस में है, तब स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस इन्फिनिटिव। और हैड की एक खास बात होती है कि जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उन सभी के साथ केवल हैड प्रयोग में आता है। ओके, तो यहां पर क्या बनेगा, आई हैड टू गो। अब कहता है मुझे जाना होगा, सेंटेंस क्या है, फ्यूचर टेंस में है, वाक्य अंत में होगा लगा हुआ है, तब इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस शैल हैव और विल हैव प्लस इन्फिनिटिव। और जैसा कि आपको पता है आई और वी के साथ जनरली हम शैल हैव प्रयोग करते हैं और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव प्रयोग में आता है। ओके, तो यहां पर क्या बनेगा, आई शैल हैव टू गो। अब कहता है हमें काम नहीं करना है। देखो वाक्य अंत में है लगा हुआ है, इट मीन सेंटेंस तो प्रेजेंट टेंस में है बट इसमें नहीं भी लगा हुआ है, अर्थात सेंटेंस क्या नेगेटिव है, नकारात्मक वाक्य है, तब स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट प्लस इन्फिनिटिव। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, हमें, वी के साथ क्या आएगा, हैव आएगा, हैव के बाद नॉट आएगा, उसके बाद टू प्लस वर्ब वर्क। हमें काम नहीं करना है, वी हैव नॉट टू वर्क। अब कहता है हमें काम नहीं करना था, सेंटेंस क्या है, पास्ट टेंस में है और यह एक नेगेटिव सेंटेंस है, तब स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस इन्फिनिटिव। ओके, तो यहां पर क्या आएगा, वी हैड नॉट टू वर्क। हमें काम नहीं करना था, वी हैड नॉट टू वर्क। अब कहता है हमें काम नहीं करना पड़ेगा। देखो ये क्या है, सेंटेंस फ्यूचर टेंस में है और यह क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है, तब इसके लिए स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस इन्फिनिटिव। ओके, तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे वी, उसके बाद शैल। देखो चूंकि वी के साथ सेल आता है, आई और वी के साथ सेल आता है, तो मैंने सेल लगा दिया। अब सेल के तुरंत बाद पहले नोट आएगा, ठीक है, इसके बाद हैव आएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, फ्यूचर टेंस में नेगेटिव सेंटेंस के लिए इस बात का आपको ध्यान रखना है कि सेल और हैव के बीच में नोट आता है या फिर विल और हैव के बीच में नोट आता है, ठीक है। तो वी सेल नोट हैव टू वर्क। हमें काम नहीं करना पड़ेगा, वी शैल नॉट हैव टू वर्क। अब कहता है क्या तुम्हें पढ़ना पड़ता है, वाक्य अंत में है लगा हुआ है, अर्थात सेंटेंस तो प्रेजेंट टेंस में है बट यह क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है, तब इसके लिए स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस इन्फिनिटिव। ओके, तो तुम्हें यू के साथ क्या आएगा, हैव आएगा, तो सेंटेंस की शुरुआत हैव से करेंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद टू प्लस वर्ब, ठीक है। क्या तुम्हें पढ़ना पड़ता है, हैव यू टू रीड। अब कहता है क्या तुम्हें पढ़ना पड़ा था, देखो सेंटेंस क्या है, पास्ट टेंस में है, तब इसके लिए स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस इन्फिनिटिव। ओके, तो पहले हैड लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर टू प्लस वर्ब। क्या तुम्हें पढ़ना पड़ा था, हैड यू टू रीड। अब कहता है क्या तुम्हें पढ़ना पड़ेगा,
सेंटेंस फ्यूचर टेंस में है और यह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है, तब स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस इन्फिनिटिव। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या है तुम्हें, अर्थात यू, यू के साथ क्या आएगा, विल आएगा, तो सेंटेंस की शुरुआत विल से करेंगे, ठीक है। इसके बाद सब्जेक्ट आएगा यू, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हैव आएगा, उसके बाद टू प्लस वर्ब, ठीक है, टू रीड। क्या तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, विल यू हैव टू रीड। देखो सेंटेंस यदि फ्यूचर टेंस में हो और वह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, प्रश्नवाचक वाक्य हो, तब आपको क्या करना है, शैल और विल का प्रयोग आपको सब्जेक्ट के अनुसार करना है, और शैल और विल के तुरंत बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैव आएगा, उसके बाद इन्फिनिटिव। आई होप यू अंडरस्टूड।